जी, बच्चा जी, कुलपति महोदय, कृष्णा साहब, डियर जंतु, हमारे दो सहयोगी मित्र डॉक्टर जयंत सिंह, डॉक्टर के उपाध्याय और अमृत जी, आज तीनों का सम्मिलित रूप से एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। लेकिन अगर ये थोड़ा अलग अलग दिन में रहते, अलग अलग महीने में, तो तीन बार हम लोग जमा होते तो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि तीनों एक साथ रिटायर कर गए। तो आज मुझे कुछ दो शब्द कहना है। तो मैं सबसे पहले जयंत सिंह के बारे में बता दूँ कि जयंत सिंह से मेरी जान पहचान 1975 से है, लगभग 50 साल हुए। और हम लोगों ने ज्वाइनिंग यहाँ पर किया रांची यूनिवर्सिटी द्वारा, जब हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ तो ये झगिया कॉलेज ज्वाइन किए, मैं आरिफोर कॉलेज ज्वाइन किया। और हम लोग के बीच में तालमेल पुराना भी था, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट साथ में एक चीज करते थे, ऊपर नीचे एक ही बिल्डिंग में हम लोग थे, तो जान पहचान पुरानी थी। और इनके कुछ दोस्त लोग थे जो हम लोग के यहाँ कॉमन फ्रेंड्स में भी थे, हम लोग के साथ में थे, तो हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और 42 साल इस 4.2 डिकेड्स सर्विस करना और उसमें बेदाग निकलना और अब एक साथ तीन तीन दायित्वों का निर्वहन करना, इसके लिए मैं डॉक्टर जयंत सिंह को बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में जो भी उनको असाइनमेंट मिलेगा उसको इसी प्रकार वो निभाएंगे। डॉक्टर के बंदोपाध्याय जिनसे मेरी जान पहचान लगभग पुरानी है, प्रगाढ़ता हुई जब नई नई यूनिवर्सिटी बनी और हम लोग गलती से, मैं DSW बन गया, एक कंट्रोलर का जानसन बन गया, तो हम लोग एक साथ ही बैठा करते थे उस वक्त, कोई काम भी था समझ में नहीं आता था क्या करना है, तो धीरे धीरे बात समझ में आई। उसके बाद जब मैं डीन साइंस हुआ और ये फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के हेड बने, तो हम लोगों ने मिलकर बहुत सारा काम किया। उस वक्त जो PhD कोर्स वर्क का परीक्षा देना था, लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना था, एक गाइडलाइन बनाना था, उसमें इन्होंने बहुत सहयोग किया। और हम लोगों को खुशी है कि दूसरे फैकल्टी वाले को हम लोग फिर गाइड करने लगे। उस गाइडलाइन बनाने में डॉक्टर के बंदोपाध्याय का बहुत बड़ा हाथ है, ये बहुत सुनते हुए आदमी है। वही इनके साथ एक ही ड्रॉबैक कहिए या गुण कहिए, इनको हाँ बुलवाना बड़ा मुश्किल है, अगर ये ना बोलती तो फिर हाँ नहीं बोलते हैं, वेरी हार्ड टू क्रैक। तो ये इनके साथ मैं काम करके देखा हूँ तो मैं सरेंडर कर जाता था कि दादा आप जो बोल रहे वही सही है, इसलिए मैं अपनी बात नहीं रख पाया कभी। और हमारे साथ में है अमृत जी, इनको मैं पहचानता था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में नया नया आया 5 साल पहले, तो इनकी नियुक्ति वहाँ पर हुई, तब मैं इनको जाना, काफ़ी ये फुर्तीले आदमी आपको और हम लोग से बहुत जवान लग रहे हैं देखने में, ये है ना, तो ये काम करने में बहुत माहिर है। और इनकी भी बहुत लंबी करी करी आपकी 40 साल हो गई, 40 साल इनकी भी नौकरी हो गई, जो आर्यन प्रसाद समय के जमाने में आए थे ना, डॉक्टर एल नारायण के समय में आए थे, बहुत पुराने आदमी हैं, उसको तो हम लोग सर्विस में नहीं आए थे उस जमाने से। तो आज हम लोग को कहने में ये खुशी हो रही है कि इन तीनों का स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे और आने वाले दिनों में ये इनके तो जो असाइनमेंट मिले, चाहे वो यूनिवर्सिटी से मिले, समाज की ओर से मिले, परिवार की ओर से मिले, उसको ये बखूबी निभाए। और इन सब बातों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं RS मोर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण सिंह सर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में दो शब्द रखें। डॉक्टर प्रवीण सर, Dr. K. Bandopadhyay and Dr. Jain Singh and Amrit Ji,
They have all been with me in RSP College area. In fact, I also joined there. Dr. B. Kumar is also here. He was also there. So we were all together for many years. In fact, 12 years I was there. And what to talk about? Your proximity with all these people who are sitting here. Dr. K. Bandyopadhyay is very close to me. And we would discuss everything related to our promotions and other matters also. He would be always present in my national seminars that I conducted in Ikera Memorial College, all six of them with his physics input in political science. And Dr. Jain Singh would also be very supportive in most of the ways that was possible for him. Amrit has always been good to us. All teachers of RSP would accept. Nilesh is here, he would also. And Jayagopal is there. So, actually, they are in fact very good people, and to me, they are actually quite close. So, the fact that I would not be seeing them very often in the campus does create a kind of problem, or that sadness part is there. But certainly, it's just a process and everyone has to retire one day. But the retirement of such people who do good job really does matter to everyone. And it would be a loss to the university not to have such people around me. Especially Dr. K. Bandyopadhyay with his inputs and physics and academics, Dr. Jain Singh with his administrative capabilities, and Amritji with his other works that he used to do. Never said no to anyone. This is one good quality about Amritji. Whenever you ask him for anything, he would never say no. And he would always find somewhere to do that thing. So I am very thankful for giving me this opportunity to speak and share my views. I wish them all luck and health and prosperity in all the years to come. Thank you so much. Thank you very much, sir. After Dr. Tarun Singh, or only degree college. धन्यवाद मोहन जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करता हूँ अपने बड़े भाई और अभिभावक तो मेरा सुझे डॉक्टर जैन सिंह से। इन्होंने मुझे अब तक की जिंदगी में जहाँ मौका मिला वहाँ हमको ये सहयोग किए हैं, और सहयोग इनके सहयोग के हम इतने ऋणी हो चुके हैं कि शायद हम उसका हम ऋण उठा सके ये संभव शायद हमसे नहीं हो पाएगा सर। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मेरी तीन बच्चियाँ जो और दो अमेरिका में हैं और एक बेंगलोर में डॉक्टर है, मेरी छात्रा रह चुकी हैं और जैन सिंह सर की पुत्रियां हैं। मैं तीनों बच्चियों को अपने केमिस्ट्री सर के आग्रह पर पढ़ाया, जितना समझ में आया पढ़ाया। सर आप मुझे कोई गलती कीजिएगा, अन्यथा आप सुखी रहें, सुखी जीवन व्यतीत करें, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जब कभी भी याद कीजिए हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। मैं चलू के बंदोपाध्याय सर के साथ हम लोग बैचमेट हैं, और सही बता दूं तो इनके साथ मेरा हमेशा रिश्ता हंसी और मजाक कह रहा है। और एक जो भेद अभी तक शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा, मैं बताना चाहता हूं कि इनकी मैडम हमारी बैचमेट रही है। और जब भी मैं इनसे बात करूं, किन छोटा हूँ ये दोनों भेद कर रही हूँ, मेरी बैचमेट
तो मतलब एक तो एनीवे हंसी और मजाक का सिलसिला जारी रहा इनके साथ 1996 से लेकर अब तक। अमित जी जब हम आरएसपी कॉलेज हरिया में पदस्थापित हुए ट्रांसफर के बाद गिरिडीह से, तो इनका भी सेवा हमने देखा है, काफ़ी सही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और मैं इन तीनों को कह रहा हूँ कि आप लोगों की आने वाली जो समय है वो आप लोग दीर्घायु रहे। आप लोग दूसरी पारी, हमको लगता है कि एक तारीख से आप लोगों ने दूसरी पारी का खेल आरंभ कर चुका है, उस खेल को निरंतर बनाए रखिएगा, बढ़ाए रखिएगा, रन बनाना है और जिंदगी में और कुछ और भी अचीव करना जो अब तक अचीव नहीं कर सके हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने आमंत्रित करना चाहूँगा बड़े आदर और सम्मान के साथ कॉमर्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर बी एन सिन्हा सर से कि आप आए और दो शब्द रखें। डॉक्टर बिना विश्वविद्यालय के सभी लोग इस बात को अनुभव करें, इनको कोई भी काम मिल जाए वो पूर्ण रूप से उसको करते हैं और करते ही नहीं है उसके लिए दूसरे को भी सलाह देते हैं। ये मैंने अपने जीवन में 42 वर्ष के जीवन में देख पाया और परिवार और सब दृष्टिकोण से ये धनी है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इनसे बहुत नजदीक हूँ और इनका और मेरा संबंध और रहना दोनों बहुत ही नजदीक है। और दूसरे जो मेरा मित्र हैं डॉक्टर बंदोपाध्याय सर, कृष्णेंद्र बंदोपाध्याय सर, हम इनको भले ही ये हमको हमेशा पुकारते थे क्या सिन्हा जी ठीक है ना हमारा, लेकिन मैंने आज तक कभी इनको मैंने बड़े दृष्टिकोण से नहीं देखा, क्या बंदोपाध्याय जी, क्या बंदोपाध्याय जी, मैंने इनको जैसे लगते थे ये हमारे बहुत मैंने नज़दीक है और हमारे अंतर में अपन में कोई अंतर नहीं, फिर भी हम दोनों का हमेशा मिलना जुलना रहता होता था। लेकिन बंदोपाध्याय सर का एक बहुत बड़ा गुण है उसमें जो हम कहने के लिए छुटेंगे नहीं, इनका सबसे बड़ा गुण है ये कोई भी चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, हमेशा इनका टेंडेंसी यही रहता है, प्रवृत्ति यही रहता है, वो बात तो है जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में कॉमा मिस्टर तक भी ये किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो और उस पर वो अपना जो कॉमेंट दे सकते हैं, चाहे कॉमेंट सही हो या गलत, ये इनका सबसे बड़ा गुण है हमने अपने जीवन में देख पाया। दूसरे जो है, तीसरे जो है हमारे अमृत जी, 1982 जनवरी में जब मैं आरएसपी कॉलेज में ज्वाइन किया था तो उसी विभाग में मेरे विभाग में ये मेरे चतुर्थ वर्ग के हिसाब से काम करते थे और मेरे जो हेड साहब थे बहुत लोग नहीं जानते हैं डॉक्टर एम पी केसरी थे, केसरी जी से बीच बीच में हम लोग इनसे मजाक करके पूछते थे क्या अमृत जी क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल रहेगा सर,
हमारा तो नौकरिया परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया। उनको मुंह से ही बोले हमेशा सुनने को मिलता था, किसी भी काम के लिए इनसे कहा जाता था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। हाँ, हमारे मित्र जो रिटायर कर चुके हैं चोपड़ा जी, तो हम लोग हमेशा ही कहते थे क्या अमृत जी क्या हालचाल है, हमारा परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, हमारा क्या हालचाल। जो भी हो, मैंने जो छोटी छोटी बातें हैं याद आती है इतनी लंबी समय के बाद, और आज विदाई का समय तो हमेशा सबके लिए कष्टदायक होता है, चाहे लोग ऊपर से नहीं गए इधर से करते हैं, इसके लिए आदमी हर आदमी तैयार रहते हैं, लेकिन समय इतना ही है। हमारे जो दोनों मित्र है ये हर दृष्टिकोण से इतना संपन्न है जो इस चीज़ को ये लोग बहुत हल्का रूप से लेंगे, और मेरे ईश्वर से यही दुआ रहेगा इन दोनों का अगला जीवन बहुत ही हसमय सुखमय, और जैसे कर्मठ और प्रभु आज भी है उस प्रकार से अपना जीवन बिता करें, ईश्वर से यही कामना। और मेरे जो सहपाठी है अमृत साहब, इनसे हम बराबर पूछते रहते थे, आज दो तीन महीना पहले भी हम उनसे पूछे थे क्या अमृत जी आपका रिटायरमेंट कब है, ये बोला सर इस साल तक, हमको मालूम नहीं था ये 31 दिसंबर में रिटायर हो चुके हैं कुछ दिन पहले तक, ये कभी बताना नहीं चाहते थे हम किस महीना में किस साल में रिटायर करेंगे, नहीं जानते थे। जो भी हो, तो मेरे तरफ से इनको ईश्वर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि इसका आगे का जीवन मंगलमय और बहुत अच्छे ढंग से। और हमने बंगला विभाग के डॉक्टर जयपाल मंडल सर से आग्रह करूंगा कि आप ही नाम और दो शब्द कि आप आए
और आज के इस कार्यक्रम के दो शब्द रखें डॉक्टर हिमांशु से करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर पवन कुमार मुदार जी, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर कौशल कुमार जी, रिटायरिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिस्टर अमृत साहू जी, डॉक्टर के बंदोपाध्याय जी, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट डॉक्टर जे एन सिंह जी। इन वन ऑफ द यूनिवर्स इंटरव्यूज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस said that when I am holding a conference in my conference hall, the most important person is not the key speaker, the most important persons are not the attendees of the conference, the most important persons are not the rapporteurs, the most important person is the caretaker of my conference hall. If he does not prepare the conference hall properly, the meeting, the conference, the presentations, the discussions will not happen properly. Amrit ji, विश्वविद्यालय के तौर पर अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आप नहीं होते तो ये विश्वविद्यालय जैसा चला वैसा नहीं चलता। शिक्षकेतर कर्मचारी के बगैर ये विश्वविद्यालय उस तरह से नहीं चल सकता है जिस तरह से ये चलता है। बहुत बार आप अनाम, गुमनाम, पर्दे के पीछे रहने वाले लोग होते हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत जोखिम भरा काम, बहुत बारीक काम आप चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर कर रहे होते हैं। मैं फिर से आपके सेवानिवृत्त होने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं। आप स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और हम हमेशा के लिए आपके कृतज्ञ हैं। अमृत जी के बारे में अपने संभाषण में सबसे पहले बोलना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि कई बार हम में से आसपास जो शिक्षेतर कर्मचारी होते हैं हम उनका नाम नहीं जानते हैं, हम उनका पूरा नाम नहीं जानते हैं, हम उनका नाम ठीक से नहीं जानते हैं, और इसके बावजूद भी वो सतत विश्वविद्यालय के लिए काम कर रहे होते हैं। हम आपके ऋणी हैं और सदैव रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I don't know Dr. K. N. Bandyopadhyay very well. I think that it is my most misfortune that I don't know him personally and I don't know him that well. I can say the same thing about Dr. J. N. Singh also. But one thing that I can tell you about K. N. Bandyopadhyay is this, that in Dhanbad, in the university, in the larger society, I am treated as a non-Bengali-Bengali speaker. और बंगाली भाषियों के साथ एक बात ये होती है कि जब भी कोई दूसरा बंगाली भाषी मिलता है तो वो उससे बांग्ला में ही बात करना पसंद करते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि शर्मिला दी यहाँ बैठी हैं, ताप्ती यहाँ बैठी हैं, सत्यम यहाँ बैठे हैं, मानस बैठे हैं, कौशिक बैठे हैं, सारे बांग्ला भाषी हैं और वो सदीक्षा से मेरे से बांग्ला में ही बात करते हैं। पर मैंने जितनी बार के एन बंदोपाध्याय से बांग्ला में बात करने की कोशिश की है उन्होंने मुझे हिंदी में जवाब दिया है। मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया, इस मर्ज को मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ, और मैं हमेशा शशंकित रहता था, एम आई मेकिंग सम मिस्टेक, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, एनी एवरीवन एल्स पिक्स अप ए कॉन्वर्सेशन विथ मी इन बांग्ला एंड वी विल रिगेल, वी विल लाफ एंड वी विल शेयर एनेक्डोट्स एंड गो अबाउट इट इन अ क्वाइट जॉली वे। But that never happened with you, sir. You chose to speak to me in Hindi,
फॉर व्हाटएवर रीजन, बट माशाल्लाह डॉक्टर के एन बंदोपाध्याय बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और हमारे संवाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हम डॉक्टर के एन बंदोपाध्याय के लिए एक बार बहुत बुरी तरीके से चिंतित हुए हैं और जिसके तरफ इशारा डॉक्टर एस के सिन्हा ने किया, ये विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था और मेरे ख्याल से बगैर उनकी मर्जी के उनको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बना दिया गया और हम सब लोग इस बात के लिए बड़े चिंतित हुए कि ये उचित नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। इसलिए नहीं कि वो काम मुश्किल है, मुश्किल काम तो उनके लिए आसान है, इसलिए नहीं कि वो काम वो करना नहीं चाहते, वो काम कर सकते हैं और इसका मुजाहरा उन्होंने किया है। आज वो 65 साल के हुए हैं, रिटायर हो रहे हैं, पिछले साल तो वो 64 साल के थे, या फिर जिस समय की बात मैं कर रहा हूं उस समय वो 63 साल 6 महीने 7 महीने के होंगे। मैं उस संस्कृत सेमिनार की बात कर रहा हूं जिसमें डॉक्टर एस के सिन्हा के साथ इनको रिसेप्शन कमिटी ट्रांसपोर्टेशन कमिटी में रख दिया गया और रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, रात के 5 बजे ये रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, होटल्स के रिसेप्शन पे इंतजार कर रहे थे अपने गेस्ट्स का और उनको बखूबी रिसीव कर रहे थे और फिर दुर्गापुर एयरपोर्ट और दूसरी जगहों छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो मेहनत से कभी दूर नहीं भागना, काम को बखूबी करना और काम जो भी हो सामने उसको अपने तरीके से करना, ये सर आपने हमें सिखाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जैन सिंह के बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार वो मुझे चौधरी नहीं चौबे बोलने लगे और धीरे से बोलते हैं ताकि कोई दूसरा ना सुन ले, पर इसकी पृष्ठभूमि मुझे बतानी पड़ेगी तब सब समझ जाएंगे या फिर आप में से जो लोग बौद्धिक हैं वो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू गॉट इट राइट। राइट मैं थोड़ा चिंतित हुआ कि मुझे चौबे क्यों बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहित्य वाले सारे लोग चौबे ही होते हैं, शायद उनका इशारा एसपी चौबे की तरफ था या फिर नहीं भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, आप उन्हीं से कंफर्म कर लीजिएगा। आई डोंट नो दैट बट आई नो आई हैव नो आइडिया फॉर व्हाटएवर रीजंस बेस्ट नोन टू गॉड और ऑलमाइटी ही स्टार्टेड कॉलिंग मी चौबे। 1 week back, he called me Chobe in the lift of this, you know, administrative block, and I did not respond to him very, you know, heartily. He thought that I had taken it to my heart. No, nothing of that sort had happened. But in the evening, he called me and he said that don't mind, I was just joking, and I thought that would be end of it. But even today, when I was shaking his hand, he called me Chobe, and. I just don't know when it will end. But anyway, whether it ends or not, it has given me an anecdote to share with you and tell you that Dr. J.M. Singh is a wonderful storyteller. When the setting is proper and even when the setting is not proper, he can tell you stories about his grandfather who used to abuse Jawaharlal Nehru and who used to abuse Mahatma Gandhi for their reason. That generation, everybody knows that generation of people in India, they felt that Gandhi and Nehru were family members, so we could talk about them in a particular affectionate way, quote unquote. Dr. J.N. Singh has proved himself to be an administrator par excellence, there is no doubt about it. He became the dean, but he refused to relinquish the principalship of RSP College Jharia for whatever reason best known to him and the Almighty, right? These are the choices that we make, ladies and gentlemen, in our life. But I can tell you that most of the choices that these people have made in their life have come out to be successful, to be good, majority of the choices that they have made. So there must have been certain logic, certain reason behind the choices that they made. We must learn that from them. Thank you so much. और बहुत धन्यवाद सर, सचमुच एक लंबी
सेवा अवधि के दरमियान कितने लोग आते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, और अभी आप सभी लोग उन्हीं शिक्षकों के हृदय की संवेदनाओं को सुन रहे थे जो एक लंबी सेवा अवधि में इनके साथ रहे और अपनी अनुभूतियों को लेकर सुना रहे थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और उन घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो घंटों समय लग सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षकों की खट्टी मीठी अनुभवों को, और अब मैं उन अतिथियों जिनका आज इस विश्वविद्यालय परिवार से विदाई है, मैं बड़े ही आग्रह के साथ डॉक्टर जैन सिंह सर से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन का एक बहुत लंबी समय आपने विश्वविद्यालय को दिया है, शैक्षणिक संस्थानों को दिया है, विभिन्न पदों को आपने संभाला है, और आपसे आग्रह करना चाहेंगे अपने जीवन के उन घटनाओं को अभिव्यक्त कर देने का आपने विश्वविद्यालय की सेवा में महती भूमिका निभा है, और आपसे हम चाहते हैं कि दो शब्द सुने।